यूपी धर्मांतरण मामले में तीन और गिरफ्तारी, यूपी एटीएस दिल्ली हरियाणा के तीन लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी उमर गौतम जहांगीर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। नहीं, ये तो जिस संस्था से जुड़ा है और आसाम में उस संबंध में टेरर फंडिंग के से संबंधित अभियोग ऑलरेडी दर्ज है। किसको ये अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं है, अभी तो इसकी विवेचना पूरी तरीके से एटीएस के द्वारा की जा रही है और भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।